गुड मॉर्निंग आप सभी स्टूडेंट। अभी पता होगा आज तो हम लगभग समय पर पहुंच चुके हैं और आप सब आज लेट चल रहे हैं। कभी जब आप सभी पहुंचते हैं तो कहते हैं हम कि भाई नहीं पहुंच पाए हैं, लेट हो रहा है। लेकिन अब कौन लेट आज हो रहा है, इसलिए लेट कभी कभी हो जाती है, हो सकता है कभी हमें हो कभी आपको हो सकता है। लेकिन क्लास डेली होता है, डेली होता रहेगा, पढ़ना प्रतिदिन है और प्रतिदिन समझते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। आज अब मैं कुछ क्वेश्चन, तो आज का जो क्वेश्चन होता है पहले मैं क्वेश्चन पूछ लूं और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज का क्वेश्चन है, ये जो आज का जो दिन है ये है थर्टीन मई को, ध्यान से क्वेश्चन सुनना है, 13 मई को किसे मिस यूनिवर्स का किताब दिया गया था जो कि इंडिया की थी। विच नेम ऑफ द मिस यूनिवर्स सेलिब्रेट इन 13 मे, 13 मई को किसे दिया गया था मिस यूनिवर्स। आपको देते हैं मिस यूनिवर्स दिया गया था, मिस यूनिवर्स ए नंबर में है सुष्मिता सेन, बी नंबर में है प्रियंका चोपड़ा, सी नंबर में है लारा दत्ता और डी नंबर में है ऐश्वर्या रॉय। तो चलिए जवाब देना है आप सभी को कि ये जो 13 मई है मिस यूनिवर्स दिया गया था, इसमें से किसे, सुष्मिता सेन को, प्रियंका चोपड़ा को, लारा दत्ता को या ऐश्वर्या राय को, बताइए। अब देखते हैं इसमें से कौन सबसे पहले जवाब देते हैं। इसको दिया गया था इसमें जो सबसे पहले दिए हैं अंकित राज वो ए नंबर दे रहे हैं, तो राइटर संतोष भी ए नंबर, छोटू कुमार भी ए नंबर बोल रहे हैं और इसमें से कुमारी खुशी, सुष्मिता सेन, रोहित कुमार ए, सुनील संगम, प्रियंका चोपड़ा, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। आदर्श कुमार ब्राह्मण या ए नंबर बोल रहे हैं, सभी का जवाब अलग अलग आ रहा है और इसमें से मोनालिसा का सुष्मिता सेन, सबका जवाब अलग अलग आ रहा है। एलिजा कुमारी डी नंबर जवाब दे रहे हैं, गुलजार अली ए नंबर जवाब दे रहे हैं। देखिए आप जैसे ही क्लास 12 पास करेंगे ना, आप अब जॉब खोजना शुरू कर देंगे और जॉब खोजने के लिए आप खोजेंगे कि जल्दी से जॉब किस में मिलेगा। जल्दी से जॉब के लिए आपको बहुत सारा ऐसा जॉब है जिसमें जल्दी से जॉब मिलेगा, एसएससी है, बैंकिंग का है सर्विस, रेलवे का भी सर्विस है, डिफेंस का सर्विस है, इसमें जल्दी से जॉब मिलता है। उसमें पता है जीके और जीएस जिसका मजबूत है, इंग्लिश जिसका मजबूत है, उसका आराम से जॉब जल्दी हो जाता है। इसलिए जीके अभी से तैयारी करते जाना है। ये एक एक क्वेश्चन बताना मतलब ये है कि आपको जीके का तैयारी करने के लिए हम कह रहे हैं, आप जीके भी तैयारी करते रहिए अपना रेस्ट टाइम में, आपको अभी टाइम बहुत बनता होगा, जीके का भी तैयारी करते रहिए और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो है उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब देखिए इसमें से बहुत से स्टूडेंट का अलग अलग जवाब आ रहा है और इसमें से सही जवाब है, इसमें सही जवाब है जो कि यह है
लारा दत्ता। इसमें सही जवाब लारा दत्ता है, क्योंकि ये जो सुष्मिता सेन है इसे भी मिस यूनिवर्स मिला है, और ये प्रियंका चोपड़ा जो है ये तो मिस वर्ल्ड मिला है इसे, और ऐश्वर्या राय जो है इसे मिस वर्ल्ड मिला है। तो सुष्मिता सेन और लारा दत्ता इसी दो को मिस यूनिवर्स मिला है। इसमें से मिस यूनिवर्स लारा दत्ता को दिया गया है 13 मई को, तो 13 मई जो है मिस यूनिवर्स लारा दत्ता को दिया गया है। और लारा दत्ता आपको पता होगा एक बहुत फेमस एक्ट्रेस भी रही, और उसकी जो शादी है बाद में एक इंडिया के ही बहुत फेमस टेनिस का खिलाड़ी जो थे महेश भूपति से हुई, और ये बहुत फेमस जोड़ी बना, और ये है लारा दत्ता, जिसे कि 13 मई को, 13 मई 2000 को, आपको बता दें कि ये जो है 13 मई, 13 मई 2000 को इसे मिस यूनिवर्स दिया गया था। तो मिस यूनिवर्स इसे 13 मई 2000 को दिया गया था। तो ये आपके लिए जनरल नॉलेज है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन क्या है अब गौर करना है। अब 13 मई एक और चीज़ के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 13 मई जो है एक और चीज़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और वो क्या है। 13 मई को ही, अब आपको बता दें, हम लोग को जानते हैं हम सभी कि लॉर्ड रेड रेड फोर्ट, रेड फोर्ट क्या हुआ, लाल किला। ये जो लाल किला है कहाँ पर है, दिल्ली में है। रेड फोर्ट लाल किला दिल्ली में है, जिसे किसने बनाया, जिसे किसने बनाया, और ये कब कब पूरा हुआ इसके बारे में बताना है। किसने बनाया और ये कब पूरा हुआ इसके बारे में बताना है। उसके बाद आपको फिजिक्स ऑप्टिक्स आगे पढ़ाएंगे, माइंड फ्रेश हो जाएगा, फिर आप आगे आगे पढ़ाएंगे। चलिए बताइए क्वेश्चन अगला है, रेड फोर्ट जो लाल किला है ये कब बना और किसने बनाया, जल्दी से जवाब देना है। गोविंद रमानी। लाल किला कब बना और किसने बनाया, मनदीप कुमार, शाहजहां बनाया, बाबर, सजल, नहीं पता, मोहम्मद बिन तुगलक। सबका जवाब सब आ रहा है। चलिए सही सही जवाब जल्दी से बताना है, समय पूरा हो रहा है। चलिए भाई अब आगे आपको बता दें, इसमें ये जो लाल किला है इसे बनाया था शाहजहां ने, शाहजहां ने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था। और ये जो शाहजहां ने बनाया था लाल किला, ये लाल किला का शुरुआत हुआ था 12 मई 1638 को बनना शुरू हुआ था, और ये 6 अप्रैल 1648 को बन गया था। लेकिन पता है जो कहते हैं विधिवत उसमें घोषणा होना, तो विधिवत घोषणा इसका 13 मई को हुआ था, और 13 मई 1648 को ये जो है विधिवत घोषणा हुआ था लाल किला का। और उसके बाद उस दिन वहाँ पर शाहजहाँ रुके भी थे, ठहरे भी थे अपने पूरे मुगल परिवार के साथ, और वो जो है 13 मई का दिन था। तो 13 मई आज इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इंडिया के लारा दत्ता को मिस यूनिवर्स मिला था, और इंडिया में लाल किला जो है जिसमें कि आज भी हम लोगों के देश का झंडा फहराया जाता है लाल किला से और पूरे देश के लिए, तो वो है 13 मई 1648 को जो है उसमें सभी मुगल के जो वो जो शासक थे वहाँ पर, जो उनके फैमिली थे शाहजहाँ के, वो सब उसमें उस दिन प्रवेश किए थे, और वो 13 मई का दिन था। तो ये था आपके लिए जनरल नॉलेज। और आगे अब आज हम रिजल्ट सुनाने जा रहे हैं, वो रिजल्ट जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लिए थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रिजल्ट आज देने जा रहे हैं, और सभी को अपना अपना रिजल्ट सावधानी से देख लेना है, और फिर अगर नंबर ज़्यादा आया तो और ज़्यादा लाने की कोशिश करना है, कम आया तो क्यों कम आया उसके बारे में सोचना है, और फिर और मेहनत करना है। तो आगे हम आपको अब रिजल्ट सुनाने जा रहे हैं। देखिए भाई
तो रिजल्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का थोड़ी देर में सामने आ रहा है। देखिए इसको तो थोड़ा हम बड़ा कर दे रहे हैं यहाँ से। ये है रिजल्ट, ऑनलाइन टेस्ट लिए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का गूगल ऐप पर। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कि अच्छी तरह से टेस्ट दे पाए, बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि गूगल में कहाँ पर लिंक है ये भी नहीं खोज पाए। इसका मतलब है कि आप ठीक से उस पर मेहनत नहीं करते हैं। तो देखिए जिन्होंने टेस्ट दे पाए उनके लिए है। इसमें सबसे पहले है सावन कुमार सुमन, फादर्स नेम है संजय यादव, 28 नंबर आया है। इसके बाद है मानस राज, फादर्स नेम है मणि प्रसाद सिंह। फादर्स नेम से आप अपना पहचान कर पाएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे बैच के स्टूडेंट हैं, एक नाम बहुत से स्टूडेंट का मिल सकता है लेकिन फादर्स नेम तो डिफरेंट ही होता है। तो यहाँ पर इसलिए हम आपको मार्क्स दिए हैं, नेम दिए हैं और फादर्स नेम दिए हैं। इस आधार पे कौन स्टूडेंट है आपको समझ में आ जाएगा किसका रिजल्ट है। आगे है मानस राज, इन्हें भी 28 मार्क्स आया है, फुल मार्क्स 40 था तो 40 में 28 आया है मैक्सिमम। मणि प्रसाद सिंह, आगे है प्रशांत कुमार, अनिल कुमार शाह, इन्हें भी 28 नंबर आया है। तो तीन स्टूडेंट ऐसे रहे जिनको कि हाईएस्ट 28 नंबर आया है और ये पहले स्थान पर है। तो ये इनका जो है पहला स्थान रहा तीन स्टूडेंट का। देखिए तो ये जो तीनों स्टूडेंट हैं ये फर्स्ट रैंक पर हैं, ये पहले स्थान पर हैं। और ये कौन है अपने फादर्स नेम से आइडेंटिफाई कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा। आगे देखिए, आगे है रोहित कुमार जिन्हें 26 मार्क्स आया है, कपिल देव पंडित, अजीत कुमार, सुनील शर्मा, शिवांगी कुमारी, दीपक कुमार सिंह, सुमित कुमार, संजीत कुमार मंडल, रौनक राज, विनोद यादव, अंकित राज, अनिल प्रसाद, रोहित कुमार झा, विवेकानंद झा, ऋतुराज कुमार, अनिल मालाकार, बिट्टू कुमार, शिवनंदन सिंह, प्रशांत कुमार, दाहो सिंह, शुभाकांत कुमार, जवाहर शर्मा, पायल प्रिया, रुपेश कुमार, वर्षा रानी, मिस्टर संतोष कुमार मंडल, अर्पिता पांडे, मिस्टर संतोष पांडे, उत्तप कुमार, रंजय चौधरी, आशीष कुमार, नीलेश कुमार, ऋषि सिंह, ऋतिक सिंह, महेश प्रसाद सिंह, अमर कुमार। यहाँ तक जो नंबर लाए हैं 26 तक, ये जो फोर स्टूडेंट हैं अंकित राज, रोहित कुमार झा, ऋतुराज कुमार, बिट्टू, ये जो है आपको फोर नहीं, यहाँ से तो ज़्यादा ही स्टूडेंट हो जाते हैं ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो है ये सभी स्टूडेंट सेकेंड रैंक पर रहे और बाकी यहाँ से जो ये सब स्टूडेंट हैं ये सब थर्ड रैंक पर रहे। तो आप अपना नाम अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब हम इसको स्लिप करते जा रहे हैं, आगे अपना नाम देखते चलिए। देखिए तो ये हो गया आपका, इस तरह से अपना अपना नाम फादर्स नेम देखते जाइए, ये आपका फर्स्ट पेज में हो गया। आगे हम सेकेंड पेज का रिजल्ट दे रहे हैं। देखिए सेकेंड पेज अपना अपना देखते चलिए, सबका अपना नाम और फादर्स नाम अपना मिलाते जाइए। देखिए इसको कितना मार्क्स आया है और पहला टेस्ट था। अगर आप ठीक से तैयारी नहीं कर पाए हैं तो इसके लिए घबराने की बात नहीं है, तैयारी जोर से करना है। अगला ये जो चैप्टर चल रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका फिर टेस्ट होने वाला है, तैयारी जम के करते जाना है अभी से। आगे है अब देखिए, अब यहाँ से है आगे नंबर। देखिए भाई यहाँ से गौर कीजिए, इस जगह अब इस पेज में किसका क्या है नाम फादर्स नेम अपना मिलाते जाना है, रिजल्ट भी मिलाते जाना है। देख लीजिए इस तरह से हो गया। अगला पेज है, अब देखिए सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रिजल्ट है आपका, देखते चलिए। आ गया,
आगे अब इस पेज में देखिए, नेक्स्ट पेज, इस पेज में देखते जाना है अपना रिजल्ट। नेक्स्ट पेज, जितना भी उसमें दिए हैं, जितना भी मार्क्स उठाए हैं उसका नंबर दे दिया गया है इसमें। यही लास्ट, तो ये था रिजल्ट आज का। अब इसका जो है सॉल्व बताएंगे, लेकिन कल जो यहाँ तक पढ़ा रहे थे वहाँ पर जो चीज़ चल रहा था, समय थोड़ा सा ओवर हो रहा था इसलिए कल क्लास छोड़ना पड़ा था, वहाँ से ही आज आगे बढ़ते हैं। और कल जो टेस्ट लिए हैं, ये जिसका हम आज रिजल्ट दिए हैं, इसका जो है हम पूरा सॉल्व बताएंगे 1 से 20 क्वेश्चन तक नेक्स्ट क्लास में। आज जहाँ तक कल पढ़ाए थे उसके आगे आज पढ़ रहे हैं। देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और अब है यहाँ पर तो कल बताए थे, कल का लास्ट पॉइंट था ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। देखिए ये सब तो स्पेकुलर हो गया था कल, इसमें बताए थे रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन के बारे में कल बताए थे, ये सब पॉइंट भी हो गया था, ये पॉइंट भी कल बता दिए थे, और ये बताए थे ऑब्जेक्ट के बारे में, और अब इमेज के बारे में समझना है। तो आज यहाँ से हम लोगों का जो क्लास है अब स्टार्ट होता है, इमेज किसे कहते हैं और इमेज कितने प्रकार का होता है, अब यहाँ से आज का क्लास स्टार्ट होता है। चलिए स्टार्ट हो जाइए। चलिए क्वेश्चन जिसे लेना है उसे क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चन हम दे देंगे, क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसे भी क्वेश्चन चाहिए क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन अभी तुरंत इस पर नहीं दे सकते, उसको क्वेश्चन हम दे देंगे जिसे भी क्वेश्चन चाहिए। चलिए सभी स्टूडेंट को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, और आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के क्लास में। देखिए इसमें है इमेज, इमेज को अगर अब हम इसे थोड़ा सा छोटा कर दें, बड़ा तो कर ही दिए थे, अब आप लोग देख चुके होंगे इसको, लिख भी चुके होंगे, अब इसे हम थोड़ा छोटा करके यहाँ पे लिख रहे हैं। इमेज का हिंदी होता है प्रतिबिंब, इसको हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। अब शांति से समझना है। अब एक पहले प्रतिबिंब बताने से पहले एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताना है वस्तु जो है, वस्तु ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है, जल्दी से बताना है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है। निशा यदुवंशी, दिवेश कुमार, अनीश कुमार, अंकित कुमार, शिवांगी, प्रेम सिंह, ऋषिकेश, छोटू कुमार, गोविंद रमानी, रोजोन फायर, ज्योति गुप्ता, अनु चौधरी, चलिए आप सभी ने जिसने भी जवाब 3 दिए हैं बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्ट 3 प्रकार का होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, साइज ऑब्जेक्ट और इनफिनाइट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, साइज ऑब्जेक्ट और इनफिनाइट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 3 प्रकार का होता है, कल बताए। अब आज क्या पढ़ना है, इमेज, इमेज कितने क्या है पहले ये समझते हैं। देखिए इमेज क्या है, द एपरेंट रिप्रोडक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ए लेंस और मिरर सिस्टम फ्रॉम रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट इज कॉल्ड इमेज।
दर्पण या लेंस द्वारा किसी वस्तु से, दर्पण या लेंस द्वारा किसी वस्तु से प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के द्वारा वस्तु वस्तु के वस्तु के रूप में वस्तु के रूप में पुनः पुनः दिखाई दिखाई पड़ना प्रतिबिंब कहलाता है। पुनः दिखाई पड़ना प्रतिबिंब कहलाता है। देखिए भाई, दर्पण या लेंस से, दर्पण या लेंस द्वारा किसी वस्तु से प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के द्वारा वस्तु के रूप में पुनः दिखाई पड़ना। हो सकता है वो वस्तु के रूप में जो पुनः दिखाई पड़ रहा है वो वस्तु के आकार का हो सकता है वो वस्तु के रूप में जो दिखाई पड़ रहा है वो वस्तु से छोटा हो सकता है वो वस्तु से बड़ा हो, लेकिन वही चीज पुनः दिखाई पड़ना, रिप्रोडक्शन। इंग्लिश में देखिए, द एपरेंट रिप्रोडक्शन मतलब पुनः दिखाई पड़ना, उसी वस्तु का पुनः दिखाई पड़ना ही क्या है, प्रतिबिंब है। अगर हम पुनः दिखाई पड़ रहे हैं किसी और चीज में, तो वो क्या है, हमारा प्रतिबिंब है। अगर हम ही पुनः दिखाई पिए पड़े, ये कलम पुनः दिखाई पड़ गया, तो फिर क्या है, ये कलम तो एक चीज है लेकिन ये पुनः दिखाई पड़ गया, ये क्या है, उसका प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब जो है, इट इज द रिप्रोडक्शन, इट मीन्स द इमेज कैन बी फॉर्म बाय द मिरर ड्यू टू रिफ्लेक्शन एंड बाय द लेंस ड्यू टू रिफ्रैक्शन। यानी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो है परावर्तन के कारण बनता है, और जो लेंस द्वारा प्रतिबिंब है वो अपवर्तन के कारण बनता है। यानी परावर्तन या अपवर्तन के कारण किसी वस्तु का पुनः उसी रूप में दिखाई पड़ना, चाहे उसका आकार छोटा हो, बड़ा हो या उसी आकार का हो, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रश्न है, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, यहाँ है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। इमेज कितने प्रकार का होता है, टू टाइप का होता है, नंबर वन रियल इमेज, नंबर टू वर्चुअल इमेज। तो इमेज टू टाइप का होता है, एक है रियल इमेज और दूसरा क्या है, वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पर है नंबर, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। कौन कौन है, तो एक है वास्तविक प्रतिबिंब, एक है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब जो है वो दो प्रकार का है, वस्तु हो गया तीन प्रकार का, पॉइंट ऑब्जेक्ट, साइज ऑब्जेक्ट और इनफिनाइट ऑब्जेक्ट, लेकिन इमेज जो है ये दो प्रकार का है, एक हो गया वास्तविक और एक हो गया काल्पनिक। अब ये समझना है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। देखिए, यहाँ पर ये मिरर है, ये डिजिटल है, डिजिटल में आपको उतना साफ ये नहीं दिखा होगा, हम आपको आगे दिखाते हैं। देखिए, तो प्लेन मिरर आगे आपको यहीं पर हम बताने जा रहे हैं, गौर कीजिए इस जगह। देखिए, अब यहाँ पर आपको हम एक चीज बताने जा रहे हैं कि प्रतिबिंब जो दो प्रकार का है वो कौन कौन सा प्रतिबिंब है, एक है रियल इमेज और एक है वर्चुअल इमेज।
तो पहले नंबर पर चलते हैं, व्हाट इज रियल इमेज। तो पहला नंबर है रियल, नंबर वन में है रियल इमेज। रियल इमेज, रियल इमेज का मतलब हुआ वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। तो ये समझना है हम लोगों को कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे, ये समझना है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज जो होता है वो क्या होता है, रियल इमेज। तो रियल इमेज क्या होता है इस पर बताते हैं, गौर करना है। When the rays of light meet at a point, meet at a point directly after the reflection or refraction, then it is called real image। देखिए भाई, इसी को हम लोग रियल इमेज कहते हैं। अब इसका हिंदी जो है हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, इसका हिंदी आप बोलेंगे। अब इसका हिंदी बोल रहे हैं, सभी को सुन करके ध्यान से लिख लेना है। देखिए इसका हिंदी क्या होगा, जब प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद, जब प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इसे इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए भाई, इसे ही हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसका फिगर द्वारा समझ सकते हैं, गौर कीजिए। ये एक लाइट इधर से आया और एक लाइट इधर से आया, ये दोनों जहां मिल गया तो ये क्या बना, एक इमेज बना। इट इज द इमेज, ये एक रियल इमेज बना। ये कैसा इमेज बना, दो लाइट मिल गया, इसमें क्या बना, रियल इमेज बना। आगे आगे अगर ये मान लेते हैं एक मिरर है और इस मिरर में यहां पर इस तरह से ये पॉलिश किया हुआ है तो कनकेव मिरर हो गया, और यहाँ से इस तरह का ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, लाइट इसमें इधर से ये ऑब्जेक्ट है, साइज ऑब्जेक्ट, लाइट इसमें जो है यहाँ से आया, रिफ्लेक्ट कर गया, यहाँ से आया, ये रिफ्लेक्ट कर गया तो डायरेक्ट कट गया, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुआ, डायरेक्ट कट गया। तो ये जो बन गया इस जगह, ये क्या है, इसका इमेज है, इट इज़ द इमेज, ये इमेज हो गया, क्योंकि लाइट यहाँ पे डायरेक्ट रिफ्लेक्शन के बाद कट रहा है, ये इमेज हो गया। आगे अब देखते हैं, यहाँ पर ये जो है एक ये कन्वेक्स लेंस है, इट इज़ द कन्वेक्स लेंस। हम अभी केवल मिरर और लेंस का नेचर नहीं पढ़ा रहे हैं, हम तो अभी मिरर और लेंस के बारे में अलग अलग डिटेल से पढ़ाएंगे, अभी हम बता रहे हैं कि रियल इमेज क्या होता है। इसमें परावर्तन या अपवर्तन के बाद लाइट अगर डायरेक्ट कट रहा हो वो रियल इमेज है। तो यहाँ से इसको हम लोग इस तरह से, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ से कोई भी ये एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ से जो लाइट आया ये इसका अपर्चर है, यहाँ से इधर निकल गया और ये जो लाइट सीधा आके यहाँ पे मिल गया, इट इज द रियल इमेज, ये इसका रियल इमेज है। तो डायरेक्ट लाइट कट रहा है, तो डायरेक्ट लाइट जब कट रहा हो तब ये सब जो इमेज बनता है ये सब रियल इमेज कहलाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो इमेज बना है इट इज द रियल इमेज, इसे हम लोग रियल इमेज कहते हैं। ये जो बना है ये भी रियल इमेज ही है, डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्शन के बाद कटा है। ये जो इमेज बना है
ये भी रियल इमेज ही है, तो ये भी रियल इमेज है। तो याद रखना है, लाइट जब परावर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद डायरेक्ट मिल रहा हो, उस तरह से जो इमेज बन रहा है उसे क्या कहेंगे? रियल इमेज कहेंगे। इसका फिगर नोट कर लेना है। और अब आगे है यहाँ पर कि वर्चुअल इमेज तब किसे कहते हैं? व्हाट इज वर्चुअल इमेज? नंबर टू, वर्चुअल इमेज। देखिए भाई, अब ये समझना है वर्चुअल इमेज काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब इसे कहते हैं। अब ये हम लोगों को समझना है, काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। चलिए, आप सबको जितने भी स्टूडेंट हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में जो जवाब दिए थे बिल्कुल सही था। स्मिथ सिंह बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप सब कमेंट बंद करके पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आपको ज़्यादा फायदा होगा। जब क्वेश्चन पूछें तब क्वेश्चन में कमेंट से जवाब दीजिए, लेकिन अगर पढ़ाई चल रहा हो उसमें कमेंट पे लगे रहते हैं तो उसमें आपको हानि होगा। इसलिए पढ़ाई के समय बिल्कुल कमेंट मत करना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। कमेंट तो इसलिए दिए गए हैं ताकि आप कुछ पूछें तो उसका जवाब दें, आप भी कुछ पूछेंगे तो हम जवाब देंगे। चलिए, इवनिंग वाला क्लास आज हो सकता है सिद्धार्थ कुमार? इवनिंग वाला क्लास अगर मौसम ठीक रहा तो होगा। अब आगे देखिए, वर्चुअल इमेज किसे कहा जाता है? व्हाट इज वर्चुअल इमेज? वर्चुअल इमेज क्या है? ये तो बन गया होगा। व्हेन द रेज ऑफ लाइट, व्हेन द रेज ऑफ लाइट मीट एट ए पॉइंट आफ्टर द रिफ्लेक्शन, आफ्टर द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इनडायरेक्टली, इन डायरेक्टली देन देन इट इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, देन इट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। व्हेन द रेज ऑफ लाइट मीट एट ए पॉइंट आफ्टर द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इनडायरेक्टली देन इट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। इसका हिंदी है, जब जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद काल्पनिक रूप में मिलती है, इनडायरेक्टली का मतलब यही हुआ, काल्पनिक रूप में मिलती है, तब तब इसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तब इसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, तब इसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए भाई, अब ये काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब क्या है? अगर मान लें ये एक कनकेव मिरर है, और मान लें कि ये एक, या ये एक कनकेव लेंस है, ये कनकेव मिरर, ये कनकेव लेंस। लेंस अभी चैप्टर आगे आएगा, लेकिन इतना तो हम समझ सकते हैं और आपको भी पता होगा कि मिरर और लेंस क्लास 10 में तो था ही, थोड़ा थोड़ा चीज उतना तो पता ही होगा। अब यहाँ पे इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है,
यहाँ पे इसका ये जो है, ये वाला, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, इसको वाइट कलर पे दे रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है। इसमें जो लाइट चलेगा, लाइट एक ये आया, और ये जो लाइट है ना, यहाँ से इधर तरफ चला गया। फिर से कर रहे हैं, ये इस तरफ से डॉटेड, ये डॉटेड जा रहा है, और एक जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट किया, ये जा करके मिल गया, और ये क्या बना दिया, इमेज बना दिया। तो ये इस बॉडी का क्या हो गया, इमेज हो गया, इट इज़ द इमेज। ये जो इमेज बना, ये लाइट डायरेक्ट अब नहीं मिल रहा है, इनडायरेक्ट मिल रहा है, ये काल्पनिक रूप में मिल रहा है, और जब ये काल्पनिक रूप में मिलेगा तब जो इमेज बना, इसी को वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो यहाँ पर इसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहेंगे, इट इज़ द वर्चुअल इमेज। तो ये जो इसका है ना, ये वर्चुअल इमेज कहलाएगा, ये वर्चुअल इमेज कहलाएगा। तो अब इसको हम लोग वर्चुअल इमेज कहेंगे। इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं, यहाँ पर ये जो है ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ये इसका टेम्परेचर है, लाइट इसमें आ गया इस तरफ से। अब यहाँ से लाइट जो है ये डाइवर्ज करेगा इस तरफ, ये डाइवर्ज कर गया। अब यहाँ से एक इस जगह आया, और ये भी इस तरफ चला गया। अब यहाँ से इस तरफ जब चला गया, तो अब इस जगह जो हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से ये दो अलग अलग स्थिति में प्राप्त हो सकता है, और ऐसे कंडीशन में जो लाइट यहाँ पर आया, ये जो इमेज बना, ये वाला यहाँ जो कटा, इसी को हम लोग यहाँ पर कहते हैं काल्पनिक। ये यहाँ जो इमेज बना, इट इज़ द वर्चुअल इमेज, ये वर्चुअल इमेज, ये इसका वर्चुअल इमेज का डायरेक्ट लाइन नहीं कट रहा है, इनडायरेक्ट लाइन कट रहा है। इनडायरेक्ट लाइन जब कटेगा, इस तरह के इमेज को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। तो ये जो है, ये है वर्चुअल इमेज, ये वर्चुअल इमेज है, ये भी यहाँ पे जो बन रहा है, इट इज वर्चुअल इमेज, ये वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो वर्चुअल इमेज वो होता है जब लाइट इनडायरेक्टली मिलता हो, वर्चुअल इमेज वो है जब लाइट इनडायरेक्टली मिलता हो, और जब डायरेक्ट मिल जाए तो क्या है, रियल। तो डायरेक्ट मिलेगा तो हो जाएगा रियल इमेज, इनडायरेक्ट मिलेगा तो हो जाएगा वर्चुअल। चलिए तेजी से नोट कर लीजिए। रोहित कुमार, उसमें जो भी आंसर चेक हुआ था वो सभी स्टूडेंट के लिए हुआ था, नॉट ओनली फॉर यू, एंड इसका जो करेक्ट आंसर है हम कल के क्लास में बताएंगे। रोहित कुमार, इसका जो करेक्ट आंसर है हम कल के क्लास में बताएंगे, और उसमें जो भी हुआ, अगर मान लीजिए ए का करेक्ट है तो सबके लिए उसी पे करेक्ट किया गया, वो तो कंप्यूटर के द्वारा था। अगर ए का मान इनकरेक्ट था तो वो सबके लिए हुआ, इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है। इसका जो सही सही आंसर है आपको हम कल के क्लास में बताएंगे। तो जो भी करेक्ट आंसर होगा इसका कल के क्लास में बताएंगे, और इसमें आपको घबराने की बात नहीं है, लेकिन ये सोच के चलना है कि उसी पे तो सभी का जांच हुआ है ना। अगर अगर उस क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को 28 मार्क्स आया है और किसी को 4 मार्क्स आया है, तो आखिर सभी का तो जांच उसी सिस्टम पे ना हुआ, बाकी करेक्ट वो तो आप मिसप्रिंट में होता है, और इसलिए उस स्थिति में आपको सारा हम क्लास में पहले भी बोले हैं कि पूरा पूरा करेक्ट सॉल्व करके हम अगले क्लास में बताएंगे। हाँ, फिगर, ये सब फिगर अगर आप लोग के पास पेंसिल है तो पेंसिल और स्केल की सहायता से ही बनाइए, ज़्यादा अच्छा फिगर होगा, क्योंकि इसमें कहीं कहीं टेढ़ा मेढ़ा होने का चांस रहता है, तो फिगर ये सब पेंसिल और स्केल से ही बनाना चाहिए।
तो ये था इमेज क्या है और इमेज कितने प्रकार का होता है। तो इमेज दो प्रकार का होता है और इमेज एक प्रकार से वस्तु का ही पुनः पुनः रिप्रोडक्शन है। मतलब एक रिप्रोडक्शन जब ऑब्जेक्ट का होता है मिरर के द्वारा या लेंस का द्वारा, उसी को हम लोग इमेज कहते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, एक रियल ऑब्जेक्ट सॉरी रियल इमेज और एक दूसरा वर्चुअल इमेज। तो दोनों बात हो गया। अब आगे हम लोगों का जो पॉइंट है वो है प्लेन मिरर। पिछले क्लास में पढ़ाए थे प्लेन मिरर, पिछले क्लास में पढ़ाए थे, लेकिन यहाँ पर प्लेन मिरर पर जाने से पहले थोड़ा हम आगे आपको अभी प्लेन मिरर के बारे में आपको पहले कुछ चीज़ बता दें। देखिए प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है वो किस तरह से बनता है इसके बारे में आपको पहले समझा देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए इमेज प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर, तो अगला पॉइंट है इमेज प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर। इमेज प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर, इसका मतलब हुआ समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब। देखिए भाई समतल के दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा इस बारे में अब समझना है, ध्यान देना है। यहाँ पर ये जो है ये प्लेन मिरर है, इट इज प्लेन मिरर। इसको यहाँ पर पॉलिश कर दिया गया है, ध्यान से समझना है। ये एक प्लेन मिरर है और इसे क्या कर दिए हैं, एक साइड में पॉलिश कर दिए हैं। किसी भी एक साइड आप पॉलिश कर सकते हैं, उस तरफ या इस तरफ। अगर जिस तरफ पॉलिश करेंगे उस तरफ वो सिल्वर सरफेस हो जाएगा, जिस तरफ पॉलिश नहीं किए हैं उधर रिफ्लेक्टेड सरफेस हो जाएगा। इधर रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गया और इधर क्या हो गया, पॉलिश सरफेस हो गया। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इट इज द ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट का इसमें इमेज कैसे बनेगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनेगा, ये अभी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अगर हम बेसिक थ्योरी का यूज करते हैं तो इसमें पॉइंट ऑब्जेक्ट ही लेते हैं। और अगर कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि इमेज का साइज इतना सेंटीमीटर है इतना मीटर है जो भी है, तो वो साइज ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तब वहाँ यूज करते हैं। लेकिन अगर बेसिक थ्योरी हो, एकदम फंडामेंटल थ्योरी जिसको कहते हैं, उसमें पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया एक पॉइंट पर आधारित और सिस्टम डेवलप हुआ है पूरे पॉइंट से। अगर पूरे ब्रह्मांड की तुलना में कहें तो ये अर्थ भी एक प्रकार का एक छोटा सा एक पॉइंट पार्टिकल है। पूरा अर्थ हम लोगों का पूरे ब्रह्मांड की तुलना में एक पार्टिकल है, एक उसी सिस्टम से हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट पार्टिकल ऑब्जेक्ट है। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से जैसे ही लाइट अब हम लोग लेंगे, यहाँ से लाइट इसका कलर चेंज कर रहे हैं। देखिए यहाँ से जैसे ही लाइट लेंगे, यहाँ आया ये लाइट, यहाँ आया इस तरफ आ गया लाइट। अब ये लाइट मिरर पेपर के क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। प्लेन मिरर में ये गुण है कि जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पर इमेज बनता है। तो यहाँ पर इसका जितने ही डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, अगर ये एक्स है तो ठीक इतने ही डिस्टेंस पीछे इसका इमेज बनता है। इट इज द प्रॉपर्टी, इसका गुण है। तो यहाँ पर ठीक इतने ही डिस्टेंस पर इसका जो है इमेज बनेगा। अब ये जो इमेज बनेगा, ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, और ये लाइट जो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, गौर कीजिए इस जगह जो रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ से, ये सीधा जाकर यहाँ पे मिल गया, और ये जो रिफ्लेक्ट करेगा ये सीधा जाकर यहाँ पे मिल गया। तो ये जो है अब इसका क्या बन गया, इमेज बन गया, ये इसका इमेज बन गया। तो ये जो इमेज बना ये सेम डिस्टेंस पे बना, सेम साइज का बनेगा, वर्चुअल होगा, ये तो रियल नहीं हुआ। अभी आप इमेज पढ़े हैं, रियल और
वर्चुअल, ये लाइट अगर मिलता तो रियल होता, लेकिन ये तो इनडायरेक्ट रूप में मिल रहा है, क्या हो गया वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पर जो इमेज बन रहा है ये इस जगह देख सकते हैं अब हम लोग, ये इस तरफ लाइट चला गया। अब यहाँ से ये जो मिला इसमें गौर करना है, ये सेम सेम साइज का होगा, सेम साइज का होगा, जितना बड़ा इसका आकार है उतना बड़ा ही होगा। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, इट इज द ऑब्जेक्ट ओ, और ये जो है ये क्या है, इमेज है, इट इज द इमेज आई। अब सेम साइज का होगा, ये जो है सेम डिस्टेंस पे होगा, ये सेम डिस्टेंस पे होगा, ये जो इमेज होगा ये बिल्कुल साफ दिख रहा है, वर्चुअल होगा। ये इमेज क्या हो रहा है, वर्चुअल हो रहा है, सेम साइज सेम डिस्टेंस, और क्या हो रहा है, वर्चुअल हो रहा है। और आगे क्या है, बिहाइंड मिरर, दर्पण के पीछे, ये क्या हो रहा है, बिहाइंड मिरर, ये दर्पण के पीछे। तो गौर कीजिए, तो प्लेन मिरर के द्वारा बना हुआ जो इमेज होता है वो कैसा होता है, सेम साइज का होता है, सेम डिस्टेंस पे होता है, वर्चुअल होता है, और बिहाइंड मिरर होता है, यानी कि समान आकार का, समान दूरी पर, काल्पनिक और दर्पण के पीछे होता है। यह है इसका प्लेन मिरर के द्वारा बना हुआ इमेज। अब इसी में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिसको हम आपको आगे बताने वाले हैं, तो चलिए आगे आपको बताते हैं। इसमें ये नोट हो गया सबका, देखिए अब आगे, अब आगे है आपका इस जगह रिमेंबर पॉइंट। इस रिमेंबर जो पॉइंट है इसमें से टोटल 6 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट है जो कि ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है, और ये सब आपको काम देगा आगे एग्जाम के लिए। ये प्लेन मिरर के लिए है रिमेंबर पॉइंट। इसमें से पहला पॉइंट क्या कहता है, गौर करना है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, गौर करना है। फर्स्ट पॉइंट नंबर वन, पहला पॉइंट कहता है साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु वस्तु का आकार, वस्तु का आकार प्रतिबिंब के, प्रतिबिंब के, वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है, वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। तो पहला पॉइंट याद रखना है कि वस्तु का जो आकार है प्रतिबिंब के आकार के बराबर होगा। ये प्लेन मिरर के लिए लागू हो रहा है, ओनली फॉर प्लेन मिरर, नॉट फॉर अदर मिरर, ये केवल प्लेन मिरर के लिए है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं रिमेंबर पॉइंट फॉर प्लेन मिरर, ये केवल प्लेन मिरर के लिए है। इसको थोड़ा डिफरेंट कलर भी आपका कर देते हैं ताकि आपका ध्यान चला जाए, ये फॉर प्लेन मिरर के लिए है, ये अदर दूसरा मिरर के लिए नहीं है। ये जितना पॉइंट लिख रहे हैं ये सब प्लेन मिरर के लिए है। आगे है नंबर टू, नंबर टू पर चलते हैं, और नंबर टू, नंबर टू क्या है, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। देखिए भाई, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, इसका मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होती है। इसको हम एक फिगर द्वारा भी आपको बताते हैं। देखिए भाई, वहां पे हो गया वस्तु का आकार ना, वहां पर क्या है साइज ऑफ इमेज, और यहाँ पे क्या हाइट, तो यहाँ पे ऊंचाई कर दी, प्रतिबिंब का ऊंचाई है ना, प्रतिबिंब का ऊंचाई कर दीजिए यहाँ पर तो ज्यादा अच्छा रहेगा, प्रतिबिंब का ऊंचाई, प्रतिबिंब का ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई के बराबर होता है।
वस्तु के ऊंचाई के बराबर होता है। अब इस दोनों को इस फिगर से समझाते हैं, गौर करना है। ये है रहा फिगर, ये फिगर है, ये प्लेन सरफेस है, और यहाँ से ये जो है ये है मिरर, ये मिरर है। और इस मिरर का सामने में क्या है? ऑब्जेक्ट है। सामने में यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज इतने ही डिस्टेंस पर यहाँ पीछे बनता है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें कि ये ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस क्या है इसका? एक्स, इसका एक्स डिस्टेंस है मिरर से। इसको थोड़ा यहाँ पर हम लोग पॉलिश कर देते हैं इस तरह से, पता चले कि मिरर है। ये क्या है? मिरर है। इसके सामने ऑब्जेक्ट एक्स डिस्टेंस पर है, इसका जो इमेज है उतने ही डिस्टेंस पर बनेगा, सेम डिस्टेंस पे बनेगा। इसका अगर हाइट अगर एच ओ मान लें, इसका जो हाइट है, इसका जो हाइट है तब एच आई होगा। तो हाइट जो है उसका बिल्कुल इक्वल होगा, बिल्कुल इक्वल होगा, हाइट में कोई कमी नहीं। तो वन नंबर और टू नंबर, आकार वही हुआ। अब यहाँ पे डिस्टेंस की बात भी होती है, इसका डिस्टेंस भी होता है। डिस्टेंस इसमें अभी नहीं है, डिस्टेंस के बारे में भी आपको भी बताएंगे। अब देखिए, तो यहाँ से गौर कर सकते हैं हम लोग कि ये जो एच आई है इक्वल टू हो गया एच ओ, एच आई इक्वल टू हो गया एच ओ। और अगर ये एक्स ओ है, ये एक्स आई है, तो एक्स आई इक्वल टू हो गया एक्स ओ। यानी कि वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है, वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होती है। ये पॉइंट ठीक से समझ में आ गया होगा सभी को। अब आगे बढ़े, अगला पॉइंट नंबर है थ्री। नंबर थ्री में कहता है, इफ द मिरर इज रोटेट एट एंगल थीटा देन द इमेज रोटेट थ्रू एंगल टू थीटा। देखिए भाई, तीसरा पॉइंट का हिंदी है, तीसरा पॉइंट का हिंदी लिख रहे हैं, तीसरे पॉइंट का, तीसरा पॉइंट, यदि यदि दर्पण को थीटा कोण से, घुमाया जाए, यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए जाए तो प्रतिबिंब, टू थीटा कोण से घूम जाता है, टू थीटा कोण से घूम जाता है। देखिए भाई, तो गौर कीजिए, यहाँ पर इस जगह ये जो है डिस्टेंस, इस जगह थोड़ा सा एक पॉइंट इस जगह लिख लीजिए। यहाँ पर आप लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये जो हुआ एक्स आई इक्वल टू एक्स ओ, क्या हुआ? डिस्टेंस ऑफ इमेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। एच आई इक्वल टू एच ओ, क्या हुआ? हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो प्रतिबिंब टू थीटा कोण से घूम जाता है। तीसरा पॉइंट यही है। अब इसको समझना है, इसको समझना है कि यदि दर्पण को हम थीटा कोण से घुमाते हैं तो प्रतिबिंब टू थीटा से कैसे घूमता है। अब ये बात समझना है, ध्यान देना है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक दर्पण बनाते हैं। ये रहा दर्पण का, ये रहा दर्पण, और इसको तो इस तरह से पॉलिश सिल्वर्ड कर देते हैं, इस तरह से सिल्वर्ड कर दिए हैं। ये एक एक प्लेन मिरर है। इस मिरर का नाम ले लेंगे, इसका नाम क्या है? M1 और यह M2। इस पर इस तरह से लाइट, इस पर इस तरह से लाइट आया, ये जो लाइट आया, लाइट जो आया इस तरह से, ये क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाए थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो लाइट जो आया ये क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पर लाइट जो आ गया ये रिफ्लेक्ट हो गया। अब दर्पण को हम लोग घुमा रहे हैं, दर्पण को क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। दर्पण को घुमा दिए भाई,
ये रहा दर्पण, वो घुमा दिए। तो दर्पण को घुमा कितने कोण से रहे हैं? थीटा कोण से। तो दर्पण को हम लोग थीटा कोण से घुमा रहे हैं, ये थीटा कोण से। अब ये जो है M1 आ गया इधर, इधर अभी पहले M1 इधर था, ये M2 इधर था, अब M2 आ गया इधर, ये M1 डैश M2 डैश। ये मिरर जो ऐसे है, ये अब ऐसे हो गया, मिरर जो ऐसे था ऐसे हो गया। अब यहाँ से जो इसका इमेज है, तब ऐसी स्थिति में जो इसका जो इमेज है ना, ये लाइट, ये तब 2 थीटा कोण से घूम जाता है। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल तब कितना बनता है? 2 थीटा। तो यहाँ पर ये अगर दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हैं, इसका इमेज तब 2 थीटा कोण से घूम जाएगा, क्योंकि ये अब इमेज नहीं बनाएगा, अब ये बनाएगा। एंगल क्या हो जाएगा? 2 थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा ऑब्जेक्ट, अगर थीटा है, थीटा ऑब्जेक्ट यानी थीटा मिरर कह सकते हैं इसको, थीटा का मिरर कह सकते हैं, थीटा मिरर, मिरर का एंगल अगर थीटा कोण से घुमाते हैं, तो यहाँ पे इमेज का जो है वो कितने कोण से घूम जाएगा? 2 थीटा कोण से घूम जाएगा। तो ये अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि दर्पण को 10 डिग्री के कोण से घुमा दिए, तो दर्पण 10 डिग्री से घुमा दिए, उसका प्रतिबिंब कितने कोण से घूमेगा? 20 डिग्री से। क्यों? क्योंकि प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, और प्रकाश के परावर्तन में जब मिरर रोटेट कर गया जितने एंगल से, लाइट गया, रिफ्लेक्ट हुआ, गया आया, इसलिए यहाँ पर जो एंगल है वो 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर थीटा एम मतलब मिरर, अगर थीटा कोण से घुमाया गया अगर, तो उसका इमेज 2 थीटा कोण से घूम जाता है। अगला नंबर है हम लोगों का नंबर 4। 4 नंबर में क्या कहता है? इफ, इसका नोट कर लीजिए फिगर। 4 नंबर में कहता है कि यदि, 4 नंबर में कहता है, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवार्ड्स मिरर विथ स्पीड भी, देन इट्स इमेज इज मूविंग विथ स्पीड 2 भी। देखिए भाई नंबर 4 क्या कहता है। नंबर 4 में है, यदि यदि, गौर कीजिए, नंबर 4, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ स्पीड भी, यदि वस्तु को, यदि वस्तु को दर्पण, दर्पण की ओर भी वेग से, भी वेग से घुमाया जाए, यदि भी वेग से घुमाया जाए या चलाया जाए, घुमाना इसमें नहीं है, भी वेग से चलाया जाए, भी वेग से चलाया जाए। देखिए भाई सभी पॉइंट अपने आप में स्पेसिफिक है। यदि वस्तु को दर्पण की ओर भी वेग से चलाया जाए, ये दर्पण है, वस्तु को भी वेग से चलाए, उसका जो इमेज है वो 2 भी वेग से चलेगा। यदि वस्तु को दर्पण की ओर चलाते हैं, यदि वस्तु को दर्पण की ओर भी वेग से चलाया जाए, तो उसका प्रतिबिंब 2 भी वेग से चलता है, 2 भी वेग से चलता है। देखिए भाई अगर मान लेते हैं यहाँ पर ये एक मिरर है, ये जो है एक मिरर है, और ये मिरर इस तरह से यहाँ पर पॉलिश किया हुआ है, प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है। वस्तु को अगर हम इधर लाते हैं, वस्तु को इधर अगर लाते हैं, अगर 20 मीटर पर सेकेंड से, तो इमेज उसका तेजी से इधर बढ़ेगा। इसका प्रयोग करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसका एक इस तरह से वर्चुअल लाइन ले लिए, यहाँ पर अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, इट इज द ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरफ जो है, इस तरफ जो है, अगर ये भी वेग से चल रहा है, तो इसका जो इमेज इस तरफ पीछे की तरफ बनेगा, इस तरफ जो इसका इमेज बनेगा, इमेज वो जो इमेज है, इसका स्पीड तब 2 गुना होगा। इसका स्पीड क्या होगा? 2 गुना होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग देख सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ आ रहा है, तो
इमेज उसका टू भी स्पीड से चलेगा। अब क्वेश्चन होता है ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इज द कॉज इन दिस कंडीशन, इफ द मिरर और ऑब्जेक्ट इज रिप्लेस्ड देन इन दिस कंडीशन व्हाई द इमेज मस्ट बी अफेक्टेड अकॉर्डिंग टू द पोजिशन, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, बिकॉज इन दिस सिचुएशन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस थ्रू द मिरर एंड सो द टाइम टेकन बाय द लाइट इज बिकम्स डबल, द डिस्टेंस टेकन कवर्ड बाय द लाइट इज ऑल्सो डबल। यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर रिफ्लेक्ट हुआ, तो डबल हो रहा है, और इसीलिए ऐसे कंडीशन में स्पीड डबल हो रहा है, इसका एंगल घुमाने पर डबल हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग अब देख सकते हैं इसका जो एंगल होगा, यहाँ पर पीछे पढ़े थे दोगुना हो गया, तो वेलोसिटी अगर ऑब्जेक्ट का मान लीजिए भी है, इसका वेलोसिटी इमेज का तब कितना होगा, टू भी होगा, इसका इमेज का वेलोसिटी टू भी होगा, वो डबल हो जाएगा। ये था चौथा नंबर पॉइंट। पांचवा नंबर पॉइंट हम लोगों को क्या कहता है, पांचवा है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज इनफिनाइट। पांचवा पॉइंट कहता है कि प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण का जो जो वक्रता त्रिज्या है आधा होता है, यानी कि अनंत होता है, यानी कि समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या, देखिए भाई अभी हम कमेंट नहीं देख पा रहे हैं, आप सब अभी शांति से कमेंट पे ध्यान मत दीजिए और पढ़ाई कीजिए, हमेशा कमेंट देखना संभव नहीं है, और थोड़ी देर में आप अभी अब क्लास हम लोगों का पूरा होगा, पहले अभी समय थोड़ा सा लगेगा, बीच में छोड़ नहीं सकते। देखिए समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या अनंत होता है, अनंत होता है, समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होता है, अनंत होता है। देखिए अनंत कैसे हो गया, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत कैसे हो गया, देखिए भाई यहाँ पे ये एक दर्पण है, ये एक दर्पण है, और ये जो दर्पण है इस दर्पण को हम लोग इस तरह से यहाँ पॉलिश कर दिए, इसकी वक्रता त्रिज्या कोई सीधी रेखा, रेखा का परिभाषा कहाँ से मिलता है, और इन विच कंडीशन यू ऑब्टेन द डेफिनेशन ऑफ लाइन पॉइंट ट्रायंगल स्फेयर, इस सब का डेफिनेशन कहाँ से मिलता है, बाय द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री वी कैन ऑब्टेन द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट लाइन एंगल बाय द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री, ज्यामिति के सहायता से हमें जो है डिफिनेशन मिलता है एक रेखा का, रेखा एक अनंत तक जाने वाला होता है ना, दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो सिगमेंट होता है उसे ही क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। ये लाइन जो है अब कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी, ये लाइन जब इन्फिनिटी जाएगा तो रेडियस क्या होगा इसका, तो रेडियस इसका इन्फिनिटी हो जाएगा, तो यहाँ पे आर इक्वल टू, यहाँ पे जो आर इक्वल टू है, आर इक्वल टू ये क्या हो गया, इन्फिनाइट, तो आर का मान ये प्लेन मिरर के लिए इन्फिनाइट होगा। आगे है नंबर सिक्स, समतल दर्पण का फोकस दूरी। देखिए भाई फोकस दूरी क्या है, अभी इसका डिफिनेशन आगे आएगा जब स्फेरिकल मिरर पढ़ाएंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर का डिफिनेशन आगे आएगा, लेकिन 10th क्लास में ये सब तो पढ़े ही हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ, ये सब तो पढ़े ही हैं, इसलिए अभी हम इसके बारे में प्लेन मिरर का बता रहे हैं, प्लेन मिरर का सब एक जगह बता देंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा कि प्लेन मिरर का कुछ भी खोजना है तो एक जगह मिल जाएगा तब जी। तो पहले प्लेन मिरर पूरा करेंगे हम लोग, तो समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। देखिए भाई समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है ये अनंत होती है, क्योंकि पता है सभी को, यू ऑल नो अबाउट दैट एफ इक्वल टू आर बाय टू, फोकल लेंथ इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड इन दिस कंडीशन इफ द रेडियस इक्वल टू इन्फिनिटी बाय टू देन फोकल लेंथ इज ऑल्सो इन्फिनाइट, फोकल लेंथ इसका क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, फोकल लेंथ इसका क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। देखिए अब आगे ये पॉइंट नंबर आपका सिक्स हो गया, अब पॉइंट नंबर यहाँ तो सिक्स तक हो गया, अब सेवन नंबर जो है सभी स्टूडेंट को फॉलो करने हैं, सेवन नंबर इसमें नहीं है वहाँ पे प्रिंटेड में, यहाँ पर आपको हम सेवन नंबर लिख रहे हैं। देखिए
नंबर सेवन, नंबर सेवन है द द मैग्निफिकेशन, द मैग्निफिकेशन, द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लान मिरर, द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लान मिरर इज इज इक्वल टू प्लस वन। द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लान मिरर इक्वल टू प्लस वन। समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है, इसका हिंदी है समतल दर्पण का सॉरी समतल दर्पण का आवर्धन प्लस वन के बराबर होता है। समतल दर्पण का आवर्धन प्लस वन के बराबर होता है। समतल दर्पण का आवर्धन प्लस वन के बराबर होता है। देखिए भाई, मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन जो है, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू होता है हाइट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ये हुआ कि आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब का ऊंचाई बटे वस्तु का ऊंचाई, प्रतिबिंब का ऊंचाई बटे वस्तु का ऊंचाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं आवर्धन को, यहाँ पर एम इक्वल टू लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज एच आई, ये लिख सकते हैं एच ओ, ये इसका फॉर्मूला होता है। मैग्निफिकेशन आगे आएगा, मैग्निफिकेशन क्या है, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन, ये सब आगे आएगा। लेकिन एम इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, बट हम लोग जानते हो यहाँ पर प्लेन मिरर के लिए एच आई और एच ओ क्या होता है, इक्वल होता है। फॉर प्लेन मिरर, फॉर प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के लिए ये जो दोनों मान है बराबर है। जब ये दोनों मान प्लेन मिरर के लिए इक्वल होता है, एम इक्वल टू एच आई बाय एच आई, दोनों इक्वल है, इक्वल है तो कैंसिल हुआ, कितना बचा वन। तो याद रखना है मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर का कितना होता है, प्लस वन होता है। मैग्निफिकेशन और प्लेन मिरर इक्वल टू प्लस वन। अब प्लेन मिरर पर अगर किसी का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, प्लेन मिरर का किसी का क्वेश्चन हो तो। चलिए, इधर तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोग का। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ पर हम लोग अभी पढ़े मैग्निफिकेशन के बारे में, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लान मिरर जो है प्लस वन होता है। अब आपको ये भी याद रखना चाहिए, इसका जो इमेज है, एक और पॉइंट लिख लीजिए, इसका जो इमेज है, इमेज के बारे में भी एक क्वेश्चन आ जाता है। ये पॉइंट नंबर था सेवन, पॉइंट नंबर एट में ये बात नोट कर लेना है। पॉइंट नंबर एट, द इमेज, द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय, द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लान मिरर, ए प्लान मिरर इज सेम साइज, सेम साइज एट सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस एंड वर्चुअल, एंड वर्चुअल। इसका मतलब हुआ कि समतल दर्पण के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब, समतल दर्पण के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब समान आकार का, समान दूरी पर और काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब समान आकार का, समान दूरी पर और काल्पनिक बनता है। ये बात समझ गए। अब आगे जो है कुछ और भी पॉइंट्स बताने हैं, क्योंकि क्लास थोड़ा सा लॉन्ग लेना पड़ता है, क्योंकि समय तो घटता ही जा रहा है और लॉकडाउन खुलने की अभी तत्काल कोई संभावना भी नहीं है। तो देखिए, तो यहाँ पर याद रखना है इसका प्रतिबिंब इस तरह से बनता है, और इसका हिंदी तो मीडियम के लिए हिंदी हम बोल ही दिए हैं, आप हिंदी लिख लिए होंगे। आगे देखिए, आगे जो यहाँ पर है,
मैग्निफिकेशन इसका पॉजिटिव होता है, ये बात अभी हम पीछे लिखे ही हैं। एम इक्वल टू जो है इसका मान हम 7 नंबर यहाँ पर है, इसका मान हम लिख ही चुके हैं कि +1 इसका होता है। तो ये था, यहाँ पर हम लोग पहुँच गए। अब आगे जो समझना है वो है, क्या गौर करना है इस जगह, समय तो अभी थोड़ा सा लग सकता है, टाइम थोड़ा सा लगेगा। अब एंगल बिटवीन टू प्लान मिरर ये आज हमको अब बताना है, क्योंकि उसमें भी दिया हुआ है। और ये तो पहले का आ गया, थोड़ा सा वेट करना है, एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जो भी थोड़ी देर में बताएंगे। इलेवन, इलेवन के बाद 12 नंबर कहाँ पे है? दिस, अब बताने वाले हैं आपको कि दो प्लेन मिरर को अगर कुछ एंगल पर रखा जाए तो उसका इमेज, अगर ऑब्जेक्ट रखें बीच में तो कितना ऑब्जेक्ट का उसका कितना इमेज बनेगा। तो इसलिए वो चीज़ हम लोगों को पढ़ना है, ये सब तो पढ़ाई हो गई है। अब आगे आपको नंबर ऑफ इमेज, चलिए कोई बात नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन, फाइनल रिजल्ट, हाइट ऑफ, यस, देखिए भाई समय लग रहा होगा, थोड़ा लगता है, बट थोड़ा थोड़ा छोड़ते जाएंगे तो फिर समय थोड़ा थोड़ा कम होते होते तुरंत बहुत समय आ जाता है। अब देखिए आगे यहाँ पर है हाइट ऑफ प्लान मिरर, तो पहले यह हाइट ऑफ प्लान मिरर आ गया है। हाइट ऑफ प्लान मिरर है यहाँ पर, ये है लैटरल इन्वर्सन इमेज, लैटरल इन्वर्सन इमेज एंगल बिटवीन टू प्लान मिरर, एंगल बिटवीन, एंगल ऑफ डेविएशन, देखिए चलिए उसी को आपको बता देते हैं आप, एंगल बिटवीन टू प्लान मिरर दूसरे ही क्लास में तब बताएंगे। चलिए देखिए एंगल बिटवीन टू प्लान मिरर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, आज इस चीज़ों को बता देते हैं, एक पॉइंट तो आगे बढ़ जाएगा। देखिए गौर कीजिए, ये एक डिजिटल फिगर है और इस डिजिटल फिगर में केवल आप देख तो सकते हैं कि अगर हम मिरर के सामने खड़ा होते हैं तो कम से कम हमारे हाइट का आधा हाइट का मिरर होना चाहिए, तब हमारा माथा मस्तक से लेके पैर तक का इमेज उसमें बन पाता है। लेकिन इसका प्रूफ क्या है? बिना प्रूफ के साइंस तो हो नहीं सकता। हम कह दिए कि देखिए अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर 6 फीट का आदमी है तो कितना लंबा उसको दर्पण चाहिए पूरा इमेज देखने के लिए, तो बोल दिए हम देखो उसका आधा होता है तो 3 फीट हुआ, तो फिर कैसे होता है आधा, ये मेन बात है। और अगर हम अभी इसे नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही हम लोगों को अब समझना है। तो हाइट ऑफ प्लान मिरर ऑब्टेन फुल इमेज ऑफ ए पर्सन, ये एक आदमी है, यहाँ पर मिरर है, इसका फुल इमेज कैसे बनेगा, इस मिरर की हाइट इस आदमी के रेस्पेक्ट में क्या होगी, ये हम लोगों को निकालना है। देखिए गौर कीजिए, व्यक्ति का
संपूर्ण प्रतिबिंब, व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई। देखिए भाई, यही पॉइंट है। व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की क्या ऊंचाई होगी, ये हम लोगों को निकालना है। देखिए, इसको निकालने के लिए अब यहाँ पर गौर करते हैं। हिंदी तो सब लिख लिए, उसी में निकाल देते हैं। इस फिगर को छोटा ही रहने देते, इसको छोटा ही रहने देते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं। आपको फिगर को ध्यान से समझना है, इसमें मेन फिगर ही है। फिगर नहीं समझ में आएगा तो समझ में नहीं आ पाएगा, मेन ध्यान देना है फिगर पे। फिगर पर ध्यान देना है, फिगर एकदम सावधानी से समझना है। देखिए, ये है एक प्लेन मिरर, और यहाँ पर ये जो है, थोड़ा समय लग सकता है, घबराना से तो दिक्कतें होगा। आजकल के बच्चे क्या होता है ना, बैठ नहीं पाते हैं। अगर मान लीजिए बैठ नहीं पाएंगे तो पढ़ेंगे क्या? क्रिकेट का खिलाड़ी कहते हैं ना हम लोग, थोड़ा सा टिक जाता ना मैच तो जिता ये देता, लेकिन टिक ये नहीं पाया, क्या जिता पाएगा? विद्यार्थी में वही हाल है, बैठ ही नहीं पाएगा क्या है, पढ़ेगा क्या? इसलिए मेन जरूरी है बैठने की क्षमता बनाना। अगर बैठ गए तो जरूर पढ़ाई होगी, और बैठ ही नहीं पाए तो पढ़ाई क्या होगी? तो देखिए, गौर कीजिए। अब यहाँ पे ये एक जमीन है, सरफेस है, ये सरफेस है और ये सरफेस है, और यहाँ पर ये मिरर है, ये मिरर है। ये जो मिरर है, इस मिरर में एक व्यक्ति जो है अपना इमेज देखना चाहता है। अब ये जो इमेज वो देखना चाहता है, तो उस आदमी का हाइट जो भी है, इस मिरर का हाइट उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ पर ये जो है किनारा हो गया मिरर का, ये किनारा मिरर का हो गया एम, और ये किनारा मिरर का हो गया, ये दिस एंड इज एम एंड द अदर एंड ऑफ मिरर इज एन। नाउ यहाँ पर अब एक आदमी है, आदमी है, और ये हम लोग इस तरह का एक आदमी ले लेते हैं, कोई कलर चुन लेते हैं, यही कलर ले लेते हैं। देखिए, ये आदमी है, और ये जो आदमी है इस तरह से, ये तो जमीन पे खड़ा है, इस तरह आदमी जमीन पर खड़ा है और दर्पण कोई चीज़ पे लगा हुआ है। तो ये आदमी है और ये जमीन पर खड़ा है। इसका फिगर थोड़ा सा और हम डार्क कर दे रहे हैं। देखिए, ये फिगर तो डार्क कर दिए हैं। ये पर्सन है, ये आदमी है, अब ये क्या है, मिरर है, और ये क्या है, पर्सन है। ध्यान देना, यहाँ से अगर हम गौर करते हैं, अब रे डायग्राम खींचते हैं, यहाँ से सीधा पॉइंट मिला दिए, और अब ये जो है, इस जगह से जो लाइट चलेगा, यहाँ से लाइट जो है आया, और ये जो है रिफ्लेक्ट कर गया। कहाँ से आया? मस्तक से आया, दर्पण के किनारे, यहाँ रिफ्लेक्ट कर गया, और यहाँ से जो लाइट है आया, और ये क्या हुआ, रिफ्लेक्ट कर गया। यहाँ पे क्या है इसका, यहाँ पे इस आदमी का आँख है, इस जगह इस आदमी का क्या है, आई, यहाँ पर आई है, और ये क्या कर रहा है, देख रहा है। हम थोड़ा इधर का फिगर थोड़ा बड़ा कर दिए। अब देखिए, गौर कीजिए, अब यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम लोग मान लिए ए, इस डिस्टेंस को मान लिए बी, इस डिस्टेंस को मान लिए सी, ये पॉइंट को मान लिए सी, इसको ई, और इसको क्या मान लिए, एफ। अब इतना सा जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस इक्वल होगा, और या यहाँ से एक पॉइंट हम लोग चुन लेते हैं। देखिए, ऐसे करके यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस इसके इक्वल होगा, ये जो डिस्टेंस होगा वो इसके इक्वल होगा, ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगा,
और ये लाइन ज्योमेट्री से आया है, ये इधर आया, तो ये दोनों भी क्या होगा, इक्वल होगा, ये जितना है ये भी उतना ही होगा। अब इधर से आते हैं, इसको मिला दिए, ये लाइन आया यहाँ से और यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया, तो ये जो डिस्टेंस अगर हम इसको इतना सा को वाई मान लें, तो ये ज्योमेट्री से ये भी क्या होगा, वाई होगा। और ज्योमेट्री से अगर ये ट्रेंगल को देखें, ये दोनों साइड इक्वल है, ये बेस का साइड इक्वल है, तो ये भी तो वाई वाई हो जाएगा। अब इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं कुछ, और इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं बी सी, इसको क्या ले लिए, डी। अब देखिए यहाँ से इसकी जो पूरी हाइट है, पूरी जो हाइट है किसका, इस मिरर का, मिरर की पूरी हाइट मान लीजिए कितना है, स्मॉल एच, और इस पर्सन का पूरी हाइट कितनी मान लीजिए यहाँ पर, कैपिटल एच। तो पर्सन की पूरी हाइट हो गई कैपिटल एच, और मिरर की पूरी हाइट कितनी हो गई, स्मॉल एच। अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ से लिख लेते हैं, लेट लेट हाइट ऑफ प्लेन मिरर, हाइट ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की हाइट हो गई स्मॉल एच, और यहाँ पर हाइट हाइट ऑफ पर्सन, हाइट ऑफ पर्सन हो गई कितना, कैपिटल एच। तो पर्सन की हाइट हो गई कैपिटल एच। ये लाइट यहाँ हेड से आया कहाँ चला गया, आँख में। ये लाइट यहाँ लेग से आया कहाँ चला गया, आँख में, क्योंकि इमेज वो कहाँ बना रहा है, आँख में, अपने मस्तक को भी देख रहा है आँख पर इमेज बन रहा है, और पैर को भी उसका इमेज आँख पे बन रहा है, इसलिए आँख पे ही ना दोनों लाइट आएगा। अब यहाँ से गौर करना है ज्योमेट्री से, बाई ज्योमेट्री से चलते हैं, इस फिगर को हम थोड़ा अब इधर कर रहे हैं, देखिए बाई ज्योमेट्री से चल रहे हैं, बाय ज्योमेट्री, बाय ज्योमेट्री। देखिए भाई जब ज्योमेट्री से हम लोग चल रहे हैं, ज्यामिति से चल रहे हैं, ज्यामिति से, तो गौर कीजिए, ये जो एम ए है, एम ए इक्वल टू होगा सी बी, और जो सी बी है इक्वल टू होगा बी ई बाय टू, क्योंकि वो तीनों इक्वल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस ये जो एक्स है इक्वल टू होगा एम ए, एक्स इक्वल टू हो गया एम ए, एम ए इक्वल टू हो गया सी बी, और सी बी इक्वल टू हो गया बी ई बाय टू। गौर कीजिए, ध्यान से समझना है, ये जो एम ए है ये है एक्स, ये इक्वल हो गया क्या सी बी, और सी बी इस पूरे का क्या है, आधा है, तो हो गया बी ई बाय टू। इसको मान लिए हम लोग इक्वेशन नंबर वन। बट वाई इक्वल टू अब क्या होगा, y इक्वल टू अब ध्यान देना है, y इक्वल टू कितना है ए एन, और ए एन इक्वल टू क्या है बी डी, वाई इक्वल टू है ए एन इक्वल टू क्या है बी डी, बी डी कितना होगा, बी डी जो है हो जाएगा बी एफ बाय टू, नहीं बी एफ बाय टू ही होगा बी डी, तो यह हो जाएगा बी एफ और बाय हो जाएगा टू। इक्वेशन नंबर हो गया 7। अब बाय एडिंग इक्वेशन, यही दोनों मेन समीकरण है, ये एक्स कैसे आया ये समझना है, वाई कैसे आया ये समझना है, एक्स वाई को जोड़ देना है। यहाँ पे लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, बाय एडिंग इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू, वन टू को जब जोड़ेंगे तो एक्स प्लस वाई, एल एच एस जुट गया, और उधर आर एच एस हो जाएगा बी ई बाय टू, प्लस हो जाएगा बी एफ बाय टू। तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई कितना है, फिगर देखिए, एक्स प्लस वाई कितना है स्मॉल एच, और ये पूरा कितना है कैपिटल एच, तो यहाँ पर ये हो गया स्मॉल एच, और एलसीएम इसका ले लिए टू, एलसीएम इसका टू हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा बी ई, और प्लस हो जाएगा बी एफ, बी ई प्लस बी एफ क्या है फिगर में, बी ई प्लस बी एफ, बी ई प्लस बी एफ क्या है ई एफ, तो यहाँ पे ये क्या है ई एफ, ये हो गया ई एफ और बाय टू। ई एफ क्या है, हाइट ऑफ पर्सन, तो यहाँ पर स्मॉल एच का मान हो गया कैपिटल एच बाय टू, यही है इसका प्रूफ। तो किसी भी व्यक्ति को अपना पूरा इमेज देखने के लिए उस मिरर का हाइट कम से कम उसके हाइट का कितना होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग अब लिख सकते हैं इस जगह, देयरफोर ये जो है हाइट ऑफ मिरर, हाइट ऑफ मिरर
इक्वल टू हाफ ऑफ हाइट ऑफ पर्सन, ऑफ हाइट ऑफ पर्सन। तो देखिए भाई, तो दर्पण की जो ऊंचाई है वो व्यक्ति की ऊंचाई की आधा होनी चाहिए। तो ये था आज का क्लास। इसमें से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन तो हम यहाँ पे अभी नहीं देख रहे हैं। चलिए, थैंक यू। अगले दिन फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। थैंक यू सो मच। अगले दिन बताएंगे आगे।